नमस्कार दोस्तों, टेक काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अगली सेटिंग की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि हम कंप्लीट एक सेट बना रहे हैं सभी मोबाइल की सेटिंग के बारे में अच्छे से, हर किसी को अवेयर करने के लिए, नॉलेज उनकी बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज हम करते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार की सेटिंग। दोस्तों इसमें क्या क्या होता है वो मैं सब बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैनेज नोटिफिकेशन में जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर तमाम तरह की आपकी एप्लीकेशन होंगी दोस्तों, जो ऐप आपके मोबाइल में है, और उनमें से आप किस ऐप का नोटिफिकेशन चाहते हो कि आपकी स्क्रीन पे आए और किस ऐप का ना आए दोस्तों। जैसे अभी ये जो न्यूज़ ऐप है मेरा, उसमें बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, तो मैं चाहूँ तो उसको बंद कर सकता हूँ, और यदि आप चाहें तो उसको अनेबल कर सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे कंप्लीट आपको मिलेगा, अलो करोगे तो नोटिफिकेशन अलो रहेगा दोस्तों। उसके बाद में ये यहाँ पे जैसे होम स्क्रीन पे होगा दोस्तों, कोई भी ऐप का आइकन है तो वहाँ पे डॉट बन के आता है दोस्तों। मैं तो आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे फेसबुक के ऊपर 11 लिखा हुआ है दोस्तों, आरोग्य सेतु के ऊपर ऑरेंज लिखा हुआ है दोस्तों, और गूगल के ऊपर इसके अंदर भी ये जो अलग अलग डॉट है दोस्तों, ये प्रायोरिटी के ऊपर हैं कि आपके अपडेट आ रखे हैं, ऐसे ऐसे कुछ नई जानकारियाँ इनमें अपडेट की हैं इन एप्लीकेशन में, तो ये इंडिकेट करता है दोस्तों। जैसे ही मैं इनको, जैसे आरोग्य सेतु का मैं कर रहा था दोस्तों, मैं इसको कर लेता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैं जैसे मैं यहाँ से डोंट शो कर दिया दोस्तों, और इसको मैं अभी वापस चला जाता हूँ होम स्क्रीन पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से डोंट जो था वो चला गया। वैसे ही आप किसी भी ऐप का करेंगे वो शो करना बंद कर देगा दोस्तों। समझ गए दोस्तों वो डोंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अभी जैसे शो कर देता हूँ, अभी फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको लाइट ऑरेंज कलर का डोंट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। वैसे फेसबुक का भी बंद कर सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फेसबुक का बंद करके दिखा देता हूँ दोस्तों आपको एक मिनट के लिए। वापस सेटिंग में चलते हैं दोस्तों वहीं पे, और फेसबुक का ढूंढते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, डॉट, नंबर। ये एप्लीकेशन की जो प्रोग्रामिंग होती है दोस्तों, उसके अनुसार ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। 120 लिखा हुआ है दोस्तों, मैं आपको दोबारा दिखाऊँ, दोबारा देखने चाहते हैं तो दोबारा दिखा देता हूँ दोस्तों। ये यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यानी कि 11 नोटिफिकेशन मेरे फेसबुक के अकाउंट में आ रखे हैं, और इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, तो मैं इसको अभी बंद करके आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसको मैं यहाँ से डॉट में करके दिखाता हूँ एक बार, और फिर डोंट शो में भी करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके ऑटोमेटिक बंद हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी दोबारा मैं इसको डोंट शो में करोगे दोस्तों तो भी वापस शो नहीं करेगा। अभी मैं नंबर वाला दोबारा कर देता हूँ दोस्तों, आप फिर दिखा देता हूँ एक बार, तो ये वापस नंबर यहाँ पे शो हो गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी आगे वाली सेटिंग हम देखते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आगे बैटरी परसेंटेज होता है दोस्तों। जब भी आपकी बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है, तो आइकन के साथ में जो बैटरी का आइकन आपके टास्क बार में ऊपर दिया होता है दोस्तों, उसके साथ में आपका बैटरी परसेंटेज शो करने लग जाएगा ये अनेबल होने से दोस्तों। यदि ये डिसेबल होगा तो वो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि कितने परसेंट आपकी बैटरी बची हुई है। ठीक है दोस्तों, इससे आगे हम चलते हैं दोस्तों रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। आपका जो टास्क वायर होता है दोस्तों ऊपर, तो उसमें यानी कि एडर बोल सकते हैं, तो उसमें जैसे ही आपकी नेटवर्क स्पीड चलती है दोस्तों, तो वो यहाँ से अनेबल करने से शो होने लग जाती है कि भाई कितने KBPS चल रही है, MBPS चल रही है या GBPS चल रही है। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों, जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसके साथ में एक आइकन शो करेगा दोस्तों, आपको दिखाई देता होगा दोस्तों कि भाई हाँ इतना आइकन इससे मैसेज आ रखे हैं। और यदि आप इसको चेंज कर देते हैं दोस्तों नंबर ऑफ मैसेजेस में, तो वहाँ पे वो नंबर शो करेगा दोस्तों कि भाई कितने मैसेज आ रखे हैं, कहाँ कहाँ से, किस ऐप से आ रखे हैं, वो शो नहीं करेगा दोस्तों। और इसको ऑफ कर दोगे तो इसमें आपको कुछ भी शो नहीं करेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन कुछ भी आपके पास नहीं आएगा। मैं आइकन करके छोड़ देता हूँ दोस्तों। अभी उसके बाद में ये जो नोटिफिकेशन बार क्या होता है दोस्तों, स्वीप डाउन नोटिफिकेशन ब्राउज के लिए, ड्रॉ के लिए जो होता है दोस्तों, हम नीचे करते हैं और सारे नोटिफिकेशन हमें शो होने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में डाटा यूजेज ऑन द टॉप नोटिफिकेशन बार। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आपका सिम का जो डाटा यूज होता है वो नेटवर्क का, ये दोस्तों मोबाइल के ऊपर डिपेंड है, जिस सिम से आपका नेटवर्क यूज हो रहा है उसको वो हाईलाइट कर देता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों स्विप डाउन टू होम स्क्रीन टू एक्सेस। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही किसी नोटिफिकेशन है दोस्तों, उसको आप नीचे की तरफ क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वो
पॉप अप मन के यानी कि बड़ी स्क्रीन में आपको वहीं पे शो कर देता है कि क्या मैसेज है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन यानी कि स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिक आपके नोटिफिकेशन आने लग जाते हैं। लोग स्क्रीन में भी कई बार पॉप अप मन के आते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ से आपका ऑन ऑफ कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में नीचे चलते हैं दोस्तों, शो बैनर नोटिफिकेशन फुल स्क्रीन। तो दोस्तों कई बार बैनर जियो वगैरह के या एयरटेल के पॉप अप मन के आते हैं बैनर, तो वो भी आपके यहाँ से आप ऑन करोगे तो वो आने लग जाएंगे दोस्तों। यहाँ से बंद कर देंगे तो वो शो होने आपके बंद हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में नोटिफिकेशन डॉट फॉर अपडेट्स, जो नोटिफिकेशन डॉट मैंने दिखाया दोस्तों फेसबुक और आरोग्य सेतु ऐप का, वो यहाँ से ऑन ऑफ होता है दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और आगे आने वाली सेटिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ओके दोस्तों।